हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। आज हम देखने जा रहे हैं आफ्टर एफएक्स का 16th लेक्चर। तो अगर आपने पहले 15 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको ऊपर राइट साइड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके पहले के 16 लेक्चर्स देख लीजिए। काफ़ी बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल के अंदर 3D चैनल्स वगैरह देखे थे, तो आज नेक्स्ट ऑडियो देखेंगे। ऑडियो में ऐसा कुछ खास है नहीं, ऑडियो में इन डेप्थ मैं आपको आगे ऑडिशन में चल के बताऊंगा। इसके अंदर एक बेसिक ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑडिशन मतलब ऑडियो कैसा रहेगा इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बेसिक कुछ ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले आफ्टर इफेक्ट्स में। एक नॉर्मल सा एक ऑडियो इंपोर्ट कर लिया मैंने। एक कॉम बना लेते हैं बेसिक सा, 1920x1080, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके, हाँ तो प्ले करके देखते हैं इसको। थर्टी सेकेंड से हमको थोड़ा टाइम बढ़ा लेते हैं, 3 सेकेंड से इसको हम कर देते हैं 60 सेकेंड्स, जो कि एक मिनट हो जाएगा। और सॉन्ग को अपन 15 सेकेंड से कट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, इफेक्ट्स के अंदर आते हैं ऑडियो में। सबसे पहले हमारे पास है जो है वो है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स बेसिकली क्या करता है, जो आपकी ऑडियो रहेगी उसको वो रिवर्स कर देगा, रिवर्स के अंदर प्ले करेगा। तो ये ज़्यादातर आपको वोकल्स में शायद कभी काम आ सकता है, तो अप्लाई करके देखते हैं। ऑडियो बैकवर्ड्स प्ले करना, आप देख सकते हैं कैसे वो इन्वर्स हो गया पूरा। और आप यहाँ पे जाके इफेक्ट्स में से इफेक्ट डिलीट कर दीजिए तो वो बैकवर्ड्स उसका निकल जाएगा। बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो के अंदर हमारे पास है बैस एंड ट्रिबल। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो दो मेजर ऑप्शंस हैं ऑडियो के उसको आपको इंक्रीज और डिक्रीज करने में काम आता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से वो ऑडियो में कैसा चाहिए आपको। ज़्यादातर आप ये स्पीच वगैरह अगर आप कोई ऑडियो एडिट कर सकते हैं एकदम सिंपल सा, आपको करना है बेस बढ़ाना है गाने में, तो आप यहाँ से अगर मैं 40+ कर देता हूँ। अब हम प्ले करते हैं। उनको लाइट सा इसके अंदर फर्क समझ में आ रहा होगा। और यहां से इसका आप ट्रिबल ऐड एडजस्ट कर सकते हैं। आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑडियो के अंदर हमारे पास है डीले। डीले बेसिकली एक इफेक्ट टाइप है, कितने मिली सेकेंड आपको ऑडियो डीले करना है उसके अंदर आप वो लगा सकते हैं, की फ्रेम्स वगैरह, डीले अमाउंट कितना ज़्यादा डीले होना चाहिए। ये बेसिकली आपको यहाँ पे इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार अप्लाई करके इसको मैं 100 का डिले कर देता हूँ। तो बेसिकली जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं ऑडियो की, ये उनको एडजस्ट करता है क्लोज और फार में। मैं इसको कम कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। देख रहे सॉन्ग कितना फास्ट और कितना स्लो प्ले हो रहा है, ये उसका डीले एडजस्टमेंट करता है उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑडियो के अंदर हमारे पास है ओके फ्लैंक। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपको आपके जो वॉइस रहता है, अगर वॉइस ओवर वगैरह कुछ है उसके अंदर डेप्थ वगैरह बढ़ाना है तो ये उसके लिए काम आता है कोरस के लिए।
इसको इंक्रीज करें। तो अगर आपका एक ऑडियो चल रहा है उसके पीछे आप ये ऑडियो थोड़ा सा एडजस्ट करके प्ले करें तो ये एक अच्छा इफेक्ट दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स के अंदर जाके हाई पास। ओके, तो ये जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी को ये कम ज़्यादा करता है, मतलब ये वॉल्यूम नहीं एडजस्ट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा। एंड शॉर्ट जैसे मैं आपको इसको प्ले कर, ज़्यादा ही हाई हो गई फ्रीक्वेंसी, देखिए आवाज़ कैसे पतली सी हो गई इसके, तो मतलब ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है। हाई पास और लो पास का आपके पास फिल्टर भी है इसके अंदर। आगे देखते हैं इफेक्ट्स के अंदर, ऑडियो के अंदर हमारे पास है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या है, एक और ऑडियो का इफेक्ट है जिससे एक ऑडियो में एक हल्का से चेंजेस आता है। जैसे देख रहे हैं जैसा इफेक्ट है ये, उसकी आप कितना ज़्यादा रखना है वो अपने आप से बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको टाइम लैप्स में दिखानी है तो अगर आप वहाँ पर इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। दो टाइप है इसके अंदर आपके पास, तो इसके अंदर आप सबसे अंदर एक एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर सबके अंदर आप एनिमेशन कर सकते हैं, तो बेसिकली ये आप अगर आप टाइम लैप्स वगैरह में आपको ये काम आ जाएगा सिंपली। आगे देख लेते हैं ऑडियो के अंदर हमारे पास है तो ये अगर आपके आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रीक्वेंसी को लेके आप अपने एडजस्ट ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको उतने अच्छे से आता है ऑडियो एडजस्टमेंट करना तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे अमाउंट पे उसके तीन बैंड्स बना के उन्होंने इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमको ऑप्शंस दिए हैं। तो मुझे लगता है हार्डली हम ये यूज़ कर पाएंगे। देखिए अभी एक ही बैंड इनेबल है, सब आप इनेबल भी करके अपने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही माइनर फ़र्क आता है दोनों में। तो ये अगर आप काफ़ी इनडेप्थ कोई ऑडियो एडिट कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी का जो रिस्पांस रहता है उसको एडजस्ट करता है ये। आगे देख लेते हैं ऑडियो के अंदर जाके रिवर्ब। इसके अंदर हम डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ा के, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा के, तो बेसिक से ये एक इफेक्ट है। आगे देख लेते हैं ऑडियो के अंदर हमारे पास है स्टीरियो मिक्सर। स्टीरियो मिक्सर आपको काफ़ी जगह काम आ सकता है। अगर आप कोई इसके अंदर सीजी का सीन आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि कोई चीज़ आपकी ये साइड से गिर रही है और कोई चीज़ आपके ये साइड से गिर रही है, तो अगर आपको 3D में साउंड को एडजस्ट करना है 3D में, तो वो जगह आपको काम आएगा। लेफ़्ट का लेवल आप जैसी राइट में गिरे तो राइट का लेवल आप ज़्यादा कर दीजिए, लेफ़्ट में गिरे तो लेफ़्ट का लेवल आप ज़्यादा करके उसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। हल्का सा लेफ़्ट पैन कर सकते हैं, राइट पैन कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर आपको काम आएगा। मैं इसके अंदर आपको इसके अंदर एग्जांपल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपको स्टीरियो के अंदर अभी रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आएगा। तो ये आप खुद ही एक बार ईयरफोन्स लगा के अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कोई भी सिंपल सा ऑडियो डाल के आप इसके अंदर एनिमेशन करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अगर आप उसके साथ थोड़ा R&D करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट निकल के आ सकता है उसके अंदर से। लास्ट है टोन। ये बेसिकली काफ़ी आपकी जो ऑडियो है उसका एक बहुत ही बैड सीक्वेंस मेरे हिसाब से, तो जैसे कोई एक ग्लिच का टोन की आवाज़ बना देगा। अगर मैं आपको प्ले करके बताऊं अभी इसके फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा के सुनिए, तो ये एक बेसिकली आपके सारे ऑडियो को एकदम इरिटेटिंग सा साउंड में कन्वर्ट कर देता है, फ्रीक्वेंसी साउंड टोन में।
तो मेरे हिसाब से आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने बेसिक सा देख लिया एफएक्स के अंदर, ऑडियो के अंदर हमारे पास क्या है, कितना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। बट मैं चाहूँगा अगर आपको ऑडियो का काम करना है तो आगे चल के जब हम अडोब ऑडिशन सिखाएंगे तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम ब्लर एंड शार्पन के कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। तब तक कि आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है कोरल ड्रॉ के, सिनेमा 4D के और फोटोशॉप के, तो जाके चेकआउट करिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।